सो हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपको स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने ओप्पो मोबाइल में स्क्रीन लॉक पासवर्ड कैसे लगाओगे। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन लॉक पासवर्ड लगाने का बहुत ही आसान ट्रिक मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको सेटिंग वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप सेटिंग को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको नीचे आना है स्क्रॉल करके, और यहाँ पे आपको पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सिंपली आपको इस ऑप्शन को ढूंढ लेना है और पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे फ्रेंड तो आपके सामने नया इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में टॉप में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सेट लॉक स्क्रीन पासवर्ड, ठीक है। तो उस ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो एक पॉपअप आएगा, यहाँ पे आपको कंटिन्यू का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपली आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे फ्रेंड तो आपके सामने इस तरह का पेज आएगा और यहाँ पर बोलेगा इंटर न्यू पासवर्ड। आप न्यू पासवर्ड यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपना पासवर्ड का टाइप ही चेंज करना चाहते हैं कि आप अलग टाइप से, जैसे कि पैटर्न टाइप लगाना चाहते हैं, नंबरिंग लगाना चाहते हैं, या फिर जो पासवर्ड आप लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यूज़ ए डिफरेंट पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पासवर्ड का टाइप देखने को मिल जाता है कि आप क्या क्या कौन कौन से टाइप में पासवर्ड लगा सकते हैं। पैटर्न लॉक लगा सकते हैं, 4 डिजिट पासवर्ड लगा सकते हैं, 4 से 16 डिजिट पासवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, तो हमको तो यहाँ पे 4 to 16 डिजिट पासवर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मुझे यही वाला पासवर्ड लगाना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है डाल देना है। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड को लगा देती हूँ, सिंपली 1 2 3 4 5 6। लगाने के बाद इस तरह से पॉपअप आएगा, यहाँ पे आपको री इंटर बोलेगा और यूज़, तो सिंपली आपको यूज़ वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप यूज़ वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे फ्रेंड तो आपके सामने इस तरह का पेज आएगा, यहाँ पे आपको वेरीफाई न्यू पासवर्ड बोलेगा। सिंपली आपको अपना पासवर्ड को दोहराना है। जैसे आप दोबारा टाइप करोगे पासवर्ड को तो आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा और यहाँ पे आपको बोलेगा कि ऐड योर फिंगरप्रिंट। अगर आप फिंगरप्रिंट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड में क्लिक करोगे, अगर नहीं करना चाहते हो तो कैंसिल में क्लिक करोगे। तो सिंपली मैं कैंसिल में क्लिक कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से स्क्रीन लॉक पासवर्ड जो है वो सेट हो चुका है। अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। सिंपली आपको स्क्रीन अप कर देना है, स्क्रीन को जैसे आप ऑन करोगे उसके बाद आपको आपके पास पासवर्ड मांगेगा, तो सिंपली आपको स्क्रीन लॉक पासवर्ड दे देना है जो आपने लगाया है, उसके बाद आपका पासवर्ड जो है ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने मोबाइल में स्क्रीन लॉक लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम बाय बाय।